सर एट प्रेजेंट जिस तरह के रुझान आ रहे हैं आपके मनवा भी आ रहे हैं? देखिए जो रुझान आए हैं ऐसे ही आ रहे हैं जैसी उम्मीद थी। जैसा मैंने कहा पूरे चुनाव में कि हरियाणा में कौन से पक्ष में लहर चल रही है और वो वैसा ही नतीजे आ रहे हैं। आप हम देख रहे हैं जबकि एग्जिट पोल में तो आप आए थे, मैंने कहा था एग्जिट पोल नहीं पब्लिक पोल देखेंगे, पब्लिक पोल जो देगी उसको स्वीकार करेंगे और लोगों ने बढ़ चढ़ के कांग्रेस को साथ दिया है। आपने स्लोगन कहा था कि साउथ में साफ है नॉर्थ में हाफ है, वही साबित हो रहा है। साउथ में साफ है नॉर्थ में हाफ है, यूपी में देख लो, हरियाणा में देख लो, राजस्थान में देख लो है और हाफ है और बीजेपी का गिर गया ग्राफ है। जिस तरह के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे आपने कहा था एग्जिट पोल पे विश्वास करते हैं? नहीं मैंने कहा था पब्लिक ओपिनियन पब्लिक पोल पे विश्वास करते हैं, पब्लिक का जो होगा 4 तारीख की इंतजार करेंगे, जो पब्लिक प्रजातंत्र में जो पब्लिक फैसला लेंगे जो जनता फैसला लेगी उसको स्वीकार करेंगे। हरियाणा के अंदर जिस तरह से 6 अपराध ऊपर है कितनी उम्मीद है आपको और बढ़ सकती है सीटें? हाँ बढ़ सकती है, अभी देखो एक आदमी को छोड़कर जैसे मैंने कहा था स्वीप जब होता है पक्ष में लहर चलती है स्वीप हो जाता है, एक आदमी को छोड़कर बढ़ सकती है। सबसे बड़ा मार्जिन रोहतक में रहने की उम्मीद है? वो तो नहीं भी होगा, मार्जिन का मार्जिन है अच्छे मार्जिन से हाँ लोगों ने जब पर्चर के साथ दिया छत्तीस बरादरी जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी और सरकार से नाराजगी थी तो आपको उम्मीद है कि और ज्यादा सीटें बढ़ेगी हरियाणा के अंदर? हाँ बढ़ेगी बढ़ेंगी और ये साफ संकेत है कि हरियाणा के लोग छत्तीस बरादरी मन बना चुके हैं अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की होगी। अच्छा सर अगर ऊपर की बात करें तो राहुल गांधी ने बड़े कॉन्फिडेंट से प्रियंका गांधी ने बड़े कॉन्फिडेंट से कहा था, खड़गे ने कहा था कि 295 सीटें हमारी आएंगी और नियर अबाउट वो सीटें लगने जा रही है। देखो उम्मीद है हमारे को और भारतीय जनता पार्टी का नारा था 400 पार का। 400 पार तो मैंने बता दिया, 400 पार आपने कहा था उसी के जवाब में मैंने किया था कि साउथ में साफ नॉर्थ में हाफ बीजेपी के खिलाफ 400 पार कहाँ से, हरियाणा में भी लगाया था 75 पार का पिछली बार। तो टोटली अगर हम बात करें तो हरियाणा की राजनीति पलट चुकी है। टोटली अगर बात करें तो हरियाणा की राजनीति हाँ बिल्कुल बिल्कुल लोगों का मन आ गया, साफ संकेत है लोगों ने। 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव भी है। हाँ तो विधानसभा चुनाव में तो छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। विधानसभा में क्या असर पड़ेगा? असर होता है लोकसभा का, पूरा असर पड़ेगा लोगों का एक मन जो है उसमें बताया ये साफ संकेत है कि विधानसभा में लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अच्छा आपने कहा था कि हर वर्ग परेशान है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, जब भी तो इस सरकार से हर वर्ग देखो हरियाणा जो है किस चीज के लिए मशहूर है, जय जवान जय किसान जय पहलवान। तो जवानों की आपने देख ली अग्निवीर जाके मतलब उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया, इसी प्रकार हरियाणा में कौशल रोजगार योजना लाके जो ये बनाया है निगम वो लाके निकाल दिया, इसी प्रकार से किसान को MSP जो छोड़ो पादा दुगनी आए करेंगे हम आए तो दुगनी हुई लागत दुगनी कर दी और किस प्रकार से दुर्दशा किसानों की हुई हरियाणा में, इसी प्रकार से पहलवान जो हमारी बेटियां दुनिया में नाम कमा के आई जंतर मंत्र में किस्ता घसीटा गया उनको अब तक न्याय नहीं मिला, तो ये हरियाणा का हर वर्ग से नाराज। क्या भारतीय जनता पार्टी में इतना अहंकार मानते हैं आप? इतना अहंकार था किसी में अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रजातंत्र है ये लोग किसी का अहंकार नहीं बर्दाश्त करते, बड़े बड़ों का अहंकार तोड़ देते हैं। जनतंत्र है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं। अच्छा जश्न तो चल रहा है अभी लेकिन पूर्ण परिणाम आने के बाद किस तरह की तैयारी है जश्न की? समर्थक बहुत उत्साहित है, लोग हैं जो आएंगे आए हुए हैं लोग, जश्न क्या है तो लोग खुशी मनाएंगे। शहर में कोई विशेष रुख नहीं करा जाएगा अभी कोई सोच नहीं। थैंक यू, आ जाइए तुम आ जाइए।